मेडिकल साइंस की दुनिया का विस्तार इतनी तेजी से होता होता जा रहा है कि आज की तारीख में एक हॉस्पिटल में डॉक्टर के अलावा भी ऐसी कई पोजीशंस होती हैं जो उतना ही क्रुशअल रोल निभाती हैं जितना कि डॉक्टर्स और इन पोजीशंस के लिए भारत में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम यानी कि कोर्सेज अवेलेबल है जिनमें से एक है ग्रेजुएशन इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी दैट इज एम तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे के एमएलटी कोर्स के वो सारे एंगल्स जो कैरियर बनाने के लिए आपका जानना जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो वुड लाइक टू अबाउट आर डॉट ओ

मतलब कुल मिलाकर के कोर्स करिकुलम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हॉस्पिटल्स या फिर मेडिकल साइंस के इस फील्ड में आप विभिन्न प्रकार के बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकें जिसको अभी हम आगे की वीडियो में जानेंगे इसके बाद अगली बात ये कि एम में एडमिशन के लिए आपका जो ट्वेल्थ है वो बायोलॉजी से होना अनिवार्य है इसके बाद एमएलटी में एडमिशन सभी कॉलेजेस में दोनों ही तरीके से होते हैं नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन और दूसरा काउंसलिंग मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन कुछ प्रमुख एंट्रेंस एग्जामेशन की बात करें जैसे कि जेईई जेई एडवांस सी यू टी एस यू ए टी इत्यादि कुछ प्रमुख कॉलेजेस की बात करें जो इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर आधार पर जो एडमिशन देते हैं वो है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और इसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोजिकोड केरला जिसमें जो फीस स्ट्रक्चर है एमएलटी के लिए वेरी करता है पंद्रह हजार रुपए से लेकर के डेढ़ लाख रुपए प्रति वर्ष तक डिपेंड करता है कि किस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल जैसे मनीपाल एकेडमी कर्नाटका में भी एम कैंपस में का होगा सारी डिटेल्स उसमें इंक्लूडेड होती है इंक्लूडिंग प्रैक्टिस एंड ऑल लाइक एम एल का कोर्स परस्यू करने के बाद भारत में जितने भी हॉस्पिटल्स है मेडिकल सेक्टर्स हैं उसमें आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे जैसे कि लेबोरेटरी मैनेजर लेबोरटरी असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर फ्लैबोटोमिस्ट बायोकेमिस्ट क्लिनिकल लैबोरटरी इंचार्ज इत्यादि जिसमें की जो स्टार्टिंग सैलरी पैकेज है वो ढाई लाख रुपए प्रति वर्ष से लेकर के पांच लाख रुपए प्रति वर्ष तक वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन दी ग्रेड एंड लेवल ऑफ द जॉब एंड ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन दी ग्रेड एंड लेवल ऑफ हॉस्पिटल जस्ट फॉर एन एक्जाम्पल अगर आप किसी छोटे शहर के हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी ढाई से तीन लाख रुपए प्रति वर्ष रहेगी स्टार्टिंग वही अगर आप किसी मेट्रो सिटी के बड़े हॉस्पिटल में ज्वाइन करते हैं एज अ मेडिकल ऑफिसर जहां पर काफी टू एंड फ्लो रहता है वहां पर आपकी जो है फाइव टू तो सिक्स लैक पर एनम सैलरी रहती है अब आते हैं प्रॉस एंड कौन से पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट पर सबसे पहले पॉजिटिव एमएलटी के जो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट है वो ये कि आप हॉस्पिटल्स और मेडिकल सेक्टर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां के, जहां के लिए आप सभी जगह पर एलिजिबल होते हैं इसी से जुड़ा इसका सेकंड पॉइंट है सैलरी अगर आप चूंकि सारे डिपार्टमेंट में आपकी अपॉर्चुनिटी होती है तो स्विचिंग बिटवीन इंटर डिपार्टमेंट इज डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर सैलरी ग्रोथ और नंबर तीन कि आप किसी हॉस्पिटल मेडिकल टीम का हिस्सा होते हैं तो डेफिनेटली आपको वहां से बहुत सारी मेडिकल सर्विसेज आपके लिए और आपके परिवार के लिए मिल जाती है रेस्ट यू कैन अंडरस्टैंड अब आते हैं नेगेटिव पॉइंट्स दैट इज कॉन्स के ऊपर इसका सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है टाइमिंग मेडिकल सर्विसेज में एज अ बींग मेडिकल ऑफिसर लेबोरटरी इंचार्ज जो भी है वहां पर शिफ्ट सिस्टम और सडन कॉल्स काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू सेक्रीफाइस विथ योर पर्सनल लाइफ एंड टाइमिंग और नंबर दो तो ये कि अगर आप किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल का हिस्सा नहीं है अगर आप किसी छोटे शहर

तो बस चलता हूँ जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में टिल देन स्टे मोटिवेटेड मोटिवेटेडर एंड गुड लक